ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 520 क्लेरिफाइड ऑन 21 सितंबर 2006 एट अंबाल नगर चेन्नई। तीन मई 1967 रात की क्लास के बाद रही हुई पॉइंट्स। द रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ द नाइट क्लास डेटेड 3rd May 1967। आत्मा सबसे तीखा रैकेट है भागने में। द सोल इज द फास्टेस्ट रॉकेट इन द टर्म्स ऑफ फ्लाइंग। लोग समझते हैं कि रॉकेट ही सबसे तीखा है। पीपल थिंक That the rocket itself is the fastest. लेकिन वो फिर भी टाइम लेता है। But it still takes time. और आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर के गर्भपिंड में प्रवेश करने में 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता। Whereas when the soul leaves the body, It doesn't take even a second to go to any part of the world and enter the fetus. इसमें मिशनरी आदि की कोई बात नहीं है। There is no question of any machines etc. in it. एक शरीर आत्मा ने छोड़ा तो ये भागी। As soon as the soul leaves the body, it runs. अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। Now, you children have it in your intellect. कि हमको तो अब घर जाना है। We certainly have to go home now. क्या? What? हमको ये देह भान छोड़कर या शरीर रूपी दुम्ब छोड़कर के कोई दूसरे गर्भपिंड में प्रवेश नहीं करना है। अब हमें तो घर वापस जाना है। We don't have to leave this body consciousness or the tail-like body and enter another fetus. But we have to return home now. लेकिन पतित आत्मा तो नहीं जा सकती। However, the impure soul can't go there. Yeah? What? पतित आत्मा और पावन आत्मा। The impure soul and the pure soul. पतित आत्मा कैसे पहचाना जाए? How will you recognize an impure soul? कैसे जाना जाए कि ये आत्मा भाग सकती है तीखे रॉकेट से भी ज्यादा तीखा और ये आत्मा नहीं भाग सकती? How to know Which soul can fly faster than the fastest rocket and which soul can't? ये जन्म कितना दुख होता है उसके इससे मालूम पड़ेगा। दुख वो कि शरीर छोड़ेंगे तो एकाग्रता से ही पता चलता है। दृष्टि के फोर्स से पता चलता है कि ये आत्मा कितनी तीखी। यू कैन नो हाउ फास्ट अ सोल इज जस्ट थ्रू कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द फोर्स ऑफ इट्स विजन। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक इनकी दृष्टि की एकाग्रता से ही पता चलता है कि अपने धर्म के फॉलोअर्स में सबसे ज्यादा तीखे थे। इट इज नोन जस्ट बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द विजन ऑफ इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट और गुरु नानक दैट दे वर द फास्टेस्ट अमंग द फॉलोअर्स ऑफ देयर रिलीजन। चेहरा देखने से ही पता चलता है कि वो जैसे निराकार ही दुनिया में टिके हुए हैं। बल साकारी दुनिया में पार्ट बजाते। यू कम टू नो जस्ट बाई लुकिंग एट देयर फेस
that though they play a part in the corporeal world, they are stabilized in the incorporeal world. तुम भी पावन बन करके जावेंगे. You will also become pure and then go. पतित माने इंद्रियों में चंचलता. Impure means there is inconstancy in the indriya. पावन अर्थात इंद्रिया निश्चल. Pure means the indriya are steady. उनमें मुख्य इंद्रिय कौन सी है? आँख. Which is the main इंद्रिया among them? Eyes. तो तुम पावन बन करके जाएंगे. So you will become pure and then go. तुम्हारी दृष्टि पावन हो जाएगी. Your vision will be purified. फिर दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी. Then the world will be reformed through your vision. हर आत्मा रूपी सितारे में अपनी अपनी सृष्टि भरी हुई है, अपनी अपनी दुनिया भरी हुई है. Every star like soul has its own world. तो आत्मा रूपी सितारा निश्चल हो जाएगा, स्थिरियम हो जाएगा, तो उसकी सारी दुनिया भी स्थिरियम होने लगेगी. So, if the star like soul becomes steady, stable, its entire world will also be stable. जो स्थिरियम नहीं बनेंगे, निश्चल नहीं बनेंगे, एक टिक नहीं बन सकेंगे, वो सब सजाएं खा करके फिर वापस जाएंगे. Those who don't become stable, steady and focused, they will all receive punishments and go back. सजाएं तो बहुत मिलती है ना? They do receive a lot of punishments, don't they? और वहाँ नई दुनिया में तो गर्भ महल में आराम से रहेंगे. And they will stay comfortably in the palace-like womb in the new world. इस पुरानी दुनिया में गर्भ जेल होती है. It is the prison-like womb in this old world. माँ को भी तकलीफ और बच्चे को भी तकलीफ होती है. The mother as well as her baby endures pain. लेकिन जो नई दुनिया होगी सतयुग त्रेता में, उसमें आत्मा गर्भ में प्रवेश तो करेगी परंतु गर्भ महल माफिक रहेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी. However, the soul will certainly enter the womb in the new world of the golden and the silver age. But it will stay there as if it is in the palace-like womb. It won't suffer any difficulty. उसका foundation कहाँ से पड़ता है? Where is its foundation laid? Student, in the confluence age. कैसे? How? क्या मिसाल देते हैं? What example is given? शास्त्रों में भी मिसाल दिया हुआ है. The example has been given in the scriptures. चित्रकारों ने भी चित्रकारी की है. The artists have also drawn it. क्या मिसाल है? What is the example? पीपल के पत्ते पर कृष्ण की आत्मा गर्भ महल में बड़े आराम से स्वस्मृति का ऊंटा चूसते हुए दिखाई गई. कृष्णा सोल इज शोन टू बी कंफर्टेबली सकिंग द थंब ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इन द पैलेस लाइक बूम ऑन द पीपल दैट इज फिग लीफ. पीपल का पत्ता भर संसार सागर में पड़ा हुआ है, विषय सागर में हिलोरे खाए रहा है, फिर भी कृष्ण की आत्मा गर्भ महल में बड़े आराम से दिखाई जाती है. दो द पीपल लीफ इज लाइंग इन द ओशन ऑफ वर्ल्ड, दो इट इज शेकिंग इन द ओशन ऑफ वाइसेस, कृष्णा सोल
इज शोन टू बी वेरी कंफर्टेबल इन द पैलेस लाइक रूम। ये शुरुआत है नई दुनिया की। सो इट इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड। उसे कहते हैं संगम युगी स्वर्णिम युग। इट इज कॉल्ड द कॉन्फ्लुएंस एज गोल्डन एज। फाउंडेशन का युग, नई दुनिया का। इट इज द एज ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड। तो वहाँ गर्भमहल में आराम से रहते हैं और यहाँ गर्भ जेल में रहने वाले कितना चिल्लाते हैं। सो यू स्टे वेरी कम्फर्टेबली इन द पैलेस लाइक रूम देयर एंड दोज हू स्टे इन द प्रिजन लाइक रूम हियर क्राई अ लॉट। बच्चा जब जन्म भी लेता है तो भी कितना चिल्लाता है। इवन व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न ही क्राइज अ लॉट। वहाँ तो बड़े आराम से रहते। यू स्टे वेरी कम्फर्टेबली देयर। आगे चल करके तुम सब देखेंगे, बच्चों ने ये साक्षात्कार किया है कि कृष्ण का जन्म कैसे होता है। लेटर ऑन यू विल सी एवरीथिंग। द चिल्ड्रन हैव हैड दिस विजन एज हाउ कृष्ण इज बॉर्न। कोई गंदगी बात नहीं। देयर इज नो डर्ट इन इट। एकदम जैसे कि रोशनी ही रोशनी हो जाती है। इट इज एज इफ देयर इज लाइट एंड ओनली लाइट। क्या? वॉट? जन्म लेने से पहले अंधेरा और जन्म लेते ही रोशनी ही रोशनी। इट इज डार्क बिफोर हिज बर्थ एंड देयर इज लाइट एंड जस्ट लाइट एज सून एज ही इज बॉर्न। कौन सी कृष्ण की बात होगी? विच कृष्ण वुड इट बी अबाउट? संगम युगी कृष्ण की बात होगी या सतयुगी कृष्ण की बात होगी? वुड इट बी अबाउट द कॉन्फ्लुएंस एज कृष्ण और द गोल्डन एज कृष्ण? दोनों की ही बात होगी। स्टूडेंट्स द कॉन्फ्लुएंस एज कृष्ण, इट इज अबाउट बोथ ऑफ देम। वो स्थूल बात है और ये सूक्ष्म बात है, बेहद की बात है। That is the physical concept and this is the subtle, unlimited concept. अज्ञान के अंधेरे में रहने वाली दुनिया के लोगों को रोशनी ही रोशनी दिखाई पड़े। The worldly people living in the darkness of ignorance should be able to see light and only light. अभी बाहर की दुनिया तो अज्ञान अंधेरे में पड़ी हुई है। Now, the outside world is lying in the darkness of ignorance. उन्हें रोशनी दिखाई पड़ती है क्या? अपन ही धंधे धोरी में मस्त है। Do they see light? They are just engrossed in their own business and occupation. बैंक बैलेंस भरे चले जाते हैं, मेहलमानियां अटानियां बनती चली जाती। They keep increasing their bank balance and having palaces and multi-storied buildings built. बाप कहते हैं, द फादर सेज, कृष्ण का जब जन्म होता है, व्हेन कृष्ण इज बॉर्न, तो रोशनी ही रोशनी हो जाती है। देयर इज लाइट एंड ओनली लाइट। अभी तुम भी वैकुंठ के मालिक बनते हो। नाउ यू ऑल्सो बिकम द मास्टर ऑफ वैकुंठ। तो वैसा पुरुषार्थ भी करना चाहिए ना? देन यू शुड ऑल्सो मेक सच पुरुषार्थ, शुडंट यू? पवित्र शुद्ध खान पान, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, संकल्पों के वाइब्रेशन होते हैं ना? यू शुड हैव प्योर फूड ड्रिंक्स, प्योर विजन, प्योर वाइब्रेशंस। There are the vibrations of thoughts, aren't there? कितने पवित्र होने चाहिए? They should be so pure. खान पान शुद्ध हो, दाल भात सबसे अच्छा है। The food drinks should be pure. दाल meaning pearls and rice is the best. क्या? What?
नमक मिर्च मसाला, खट्टा मीठा, वो सबसे अच्छा नहीं है। सॉल्टी, हॉट, स्पाइसी, सॉर, स्वीट फूड्स आर द बेस्ट। लेकिन दाल भात सबसे अच्छा है। हाउएवर, दाल एंड राइस इज द बेस्ट। ऋषि केस में सन्यासी लोग क्या खाना लेते हैं? What food do the sannyasis in Rishikesh have? खाना जब लेते हैं तो देने वाले की तरफ देखते भी नहीं। When they take food, they don't even look at the giver. अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। They are engrossed in their own joy. खिड़की से खिड़की चले जाते हैं। They go from window to window. उनमें भी कोई कैसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं। इवन अमंग देम एवरीवन इज डिफरेंट। वो सन्यासी जो कहते हैं कि हम कर्म सन्यासी हैं। दो सन्यासी से वी आर कर्म सन्यासी। क्या? व्हाट? हमने खाना वाना पकाना करना ये कर्मों का सन्यास किया हुआ है। वी हैव रिनाउंस्ड द एक्शंस लाइक कुकिंग फूड एटसेट्रा। हमें ये लौकिक दुनिया का कर्म करने की दरकार नहीं है। We needn't perform the tasks of this laukik world. कहते हैं। They say this. परंतु जब तक कर्मेंद्रियां हैं, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। However, they will certainly have to perform tasks until they have कर्मेंद्रिया। पांव हैं, तो चलेंगे नहीं कभी क्या? When you have legs, won't you ever walk? हाथ हैं, तो निवाला हाथ से पकड़ के घूमने नहीं ले जाएंगे क्या? When you have hands, won't you take a morsel to your mouth with your hand? आँख है, तो कभी देखेगी नहीं क्या? When you have eyes, won't you ever see? कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। No one can live without performing actions. कर्मेंद्रियों की चंचलता इस दुनिया में चालू ही रहती। The कर्मेंद्रिया are always inconstant in this world. उनका है कर्म संन्यास। Theirs is karma sannyas, that is renouncement of actions. कितना मीठा नाम रख दिया है, परंतु कर्म सन्यास तो होता नहीं है। They have kept a very sweet name, but there isn't karma sannyas for sure. ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जानने के कारण कितने मूर्ख बन पड़े। Because of not knowing the beginning, middle and end of the drama, you have become foolish. अगर उनकी बुद्धि में भी इस सृष्टि के आदि की बात असली बैठी हुई हो, इस दुनिया में ही सृष्टि के आदि में स्वर्ग होता है, तो कर्म संन्यास की बात न करती। If the real concept of the beginning of this world has sat in their intellect too, that there is heaven in this very world in the beginning of the world, they wouldn't talk of karma sannyas. परंतु वो तो कहते हैं स्वर्ग के सुख काल विष्टा समान। However, they certainly say the happiness of heaven is equal to the droppings of a crow. इतनी नफरत लेकर के बैठते हैं। किससे? They sit with so much hatred. For whom? स्वर्ग बनाने वाले से और स्वर्ग में जाने वालों से। For the creator of heaven and the ones who go there. और खुद शिवोहम कह के बैठे जाते हैं। In addition, they say शिवोहम, that is, I am Shiv. माना? जो कुछ भी अच्छा बनेगा वो हमारे द्वारा बनेगा। इट मीन्स एवरीथिंग गुड विल बी मेड बाय अस। हमसे अलग कोई भगवान
नहीं होता है। देयर इजंट एनी गॉड एक्सेप्ट अस। तो कर्म सन्यासी कोई हो नहीं सकता, सभी एक्टर्स अपना अपना कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाए रहे हैं। सो नो वन कैन बी कर्म सन्यासी, ऑल द एक्टर्स आर प्लेइंग देयर रेस्पेक्टिव पार्ट विद देयर कर्मेंद्रिया। और जो पार्ट बजाते हैं वो कम जास्ती भी नहीं हो सकता। एंड द पार्ट दैट दे प्ले कांट बी लेस और मोर ईदर। क्या? व्हाट? जो भी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में पार्ट भरा हुआ है, जितना पार्ट भरा हुआ है, 84 जन्मों का भरा हुआ है या एक जन्म का भरा हुआ है, ये कम जास्ती है। वो ज्यों का त्यों जारी रहता है। वॉट एवर पार्ट इज रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड लाइक सोल एंड टू वॉट एवर एक्सटेंट इट इज रिकॉर्डेड, वेदर इट इज द पार्ट ऑफ 84 बर्थ्स और ऑफ अ सिंगल बर्थ, वेदर इट इज लेस और मोर, इट कंटिन्यूज एज इट इज। खत्म नहीं हो सकता, इट कांट एंड। अगर पार्ट खलास हो जाए तो कहेंगे आत्मा विनाशी। इफ द पार्ट एंड्स इट विल बी सेड दैट द सोल इज पेरिशेबल। परंतु पार्ट भी अविनाशी और इसलिए आत्मा भी अविनाशी, पार्ट बजाने वाली है। हाउएवर द पार्ट इज इम्पेरिशेबल, दिस इज व्हाई द सोल इज ऑल्सो द वन प्लेइंग द इम्पेरिशेबल पार्ट। कोई की जन्म कम जास्ती नहीं हो सकती। नो वन कैन हैव लेस और मोर बर्थ्स। अभी तुम जानती हो कि हम भी कुछ नहीं जानते थे। नाउ यू नो वी ऑल्सो डिडंट नो एनीथिंग। अभी हम ड्रामा की आदि मध्यंत षष्ठी चक्र को जान गए हैं। नाउ वी हैव नोन द बिगिनिंग मिडिल एंड द एंड ऑफ द ड्रामा द वर्ल्ड ड्रामा व्हील। तुच्छ बुद्धि से अभी हम स्वच्छ बुद्धि बन रहे हैं। वी आर बिकमिंग दोज विद अ प्योर इंटेलेक्ट फ्रॉम हैविंग अ वर्थलेस इंटेलेक्ट। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियों में तो बड़ा देह अभिमान है। मेनी ब्रह्म कुमार कुमारीज हैव बॉडी कॉन्शियसनेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इतना देह अभिमान है कि उनको तो जैसे यहाँ ही राजा ही चाहिए। दे हैव सो मच बॉडी कॉन्शियसनेस दैट इट इज एज इफ दे वांट द किंगशिप हियर इटसेल्फ। सेवाधारी बनकर रह नहीं सकते। दे कांट स्टे सर्विसेबल एट ऑल। सेवा ही लेते रहते हैं। दे कीप टेकिंग सर्विस। धन की सेवा लेंगे, तन की सेवा लेंगे, संबंधियों से भी सेवा लेंगे। दे विल टेक द सर्विस ऑफ मनी, द सर्विस ऑफ बॉडी, दे विल टेक सर्विस फ्रॉम देयर रिलेटिव्स टू। मारे देह अभिमान के अपन को बहुत ऊंचे समझते हैं। आउट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस दे कंसिडर themselves टू बी वेरी हाई। बर्तन धुलाई करवाना, कपड़ा धुलाई करवाना, ये सब बातें देह अभिमान। दे विल मेक अदर्स डू देयर डिशेज, वॉश देयर क्लोथ्स एटसेट्रा, ऑल दीज थिंग्स प्रूव बॉडी कॉन्शियसनेस। क्या? वॉट? अपने कपड़े भी अपने आप नहीं धोएंगे और अपने झूठे बर्तन भी अपने आप नहीं धोएंगे। दे वोंट वॉश देयर क्लोथ्स एंड डू देयर यूज्ड डिशेस बाय देमसेल्व्स। चलो अपने आप न धोए, भगवान का परिवार समझे तो कोई दो चार मिलकर के धोते हैं। तो उनको नीची दृष्टि से देखेंगे। ऑल राइट, इफ दे डोंट वॉश इट ऑन देयर ओन एंड इफ 2 to 4 पीपल वॉश इट टुगेदर थिंकिंग इट इज गॉड्स फैमिली, दे सी देम विद कंटेम्प्ट। किसको? होम। बर्तन धोने वालों को नीची दृष्टि से देखेंगे। दे विल सी दोज हु डू द डिशेस विद कंटेम्प्ट। देह अभिमान है ना, तो समझते हैं इनको नीचा काम दिया गया है। They have body consciousness, don't they?
So they think they have been allotted a lowly work. हम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान डायरेक्ट बच्चे हैं। We are the intelligent and direct children of the intelligent father. और ये हमारी सेवा के लिए बने हुए हैं। And they are meant to serve us. बाप तो कहते हैं। In fact, the father says. कि मैं obedient servant बनकर के आया हुआ हूँ। I have come as an obedient servant. कहते हैं? माना? बिंदी रूप में कहते हैं या साकार रूप में कहते हैं? He says, it means, does he say it in the point form or the corporeal form? Students, in the corporeal form. साकार रूप में कहते हैं कि मैं सर्वेंट बनकर के आया हुआ हूँ. Most obedient servant. He says in the corporeal form, I have come as a servant, the most obedient servant. परंतु बच्चों में देह अभिमान है. However, the children have body consciousness. ऐसे देह अभिमान वाले फिर गिर जाते. Then the ones with such body consciousness fall. उनका देह अभिमान बरकरार नहीं रह सकता. Their body consciousness can't remain intact. बाप कहते हैं जैसा कर्म तुम करेंगे तुमको देख करके सब करेंगे. The father says, the way you perform actions, everyone will see you and do the same. जो बड़े बड़े हैं अपन को बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं. खास करके इंचार्ज हैं, जोनल इंचार्ज हैं, भारत के या विदेश के इंचार्ज हैं, वो बड़े बड़े जैसा कर्म करेंगे उनको देखकर सब फॉलो करने लग पड़ेंगे. दोज हु आर सीनियर्स हु कॉल देमसेल्व्स द सीनियर ब्रह्म कुमार कुमारीज एस्पेशली द इंचार्ज the zonal incharge, the incharge of Bharat or foreign countries, the way they perform actions, everyone will see them and start following the same. यहाँ ही दास दासियाँ रखकर की बैठ जाती हैं. They keep servants and maids here itself. यहाँ ही माने कहाँ? Where does here itself mean? संगम युग में ब्राह्मण धर्म है ना? Student, in the confluence age, In the confluence age, you have the Brahmin dharma, don't you? अभी ब्राह्मण से कोई देवता तो बना नहीं है. No one has become a deity from a Brahmin now. ब्राह्मणों का धर्म क्या है? What is the dharma of the Brahmins? सेवा लेने का धर्म है या सेवा देने का धर्म है? Is there a dharma of taking service or rendering service? लेने का धर्म नहीं है. It isn't their dharma to take. धन भी लेने का धर्म नहीं है. इट isn't their धर्म टू टेक द सर्विस ऑफ मनी either. इशारे से या वाचा से भी कोई से मांगते हैं कि यज्ञ में इस कार्य के लिए हमको इस बात की जरूरत है, इस धन की, तो बाप कहते हैं मांगने से मर जाना भला. इफ यू आस्क समवन इनडायरेक्टली Or in words, we need this thing or this much money for this purpose in the yagya. The father says that it is better to die than to seek. कुछ भी लेने की किसी से इच्छा नहीं रखनी चाहिए. You mustn't wish to take anything from anyone. क्यों? Why? यज्ञ में कोई चीज की जरूरत है, कोई कहता है कोई चीज की जरूरत हो तो हमको बताना, तो लेना नहीं चाहिए. If something is needed in the yagya, if someone asks to inform him, in case there is any need in the yagya, shouldn't we take from him? कहना नहीं चाहिए उसे.
स्टूडेंट विल टेल हिम के लिए, जैसे हमारा तो सब कुछ यज्ञ के लिए, हम तो सरेंडर है यज्ञ में। स्टूडेंट कमेंट्स, फॉर द यज्ञ दे से एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू अस इज फॉर द यज्ञ, वी आर सरेंडर्ड इन द यज्ञ। बाबा को समाचार देना चाहिए। यू शुड गिव द रिपोर्ट टू बाबा। क्या बच्चे डरते बहुत हैं दीदी दादी दादाओं से। व्हाट द चिल्ड्रन आर वेरी अफ्रेड ऑफ द दीदीज दादीज एंड दादाज। बच्चों को समाचार देना चाहिए, बोलो हम यहाँ आते हैं कुछ सीखने के लिए या तुम्हारी सेवा करने के लिए आते हैं। द चिल्ड्रन शुड गिव रिपोर्ट, टेल देम डू वी कम हियर टू लर्न समथिंग और टू सर्व यू। माताएं सेंटर्स में जाती हैं ज्ञान सुनने के लिए, याद में बैठने के लिए। मदर्स गो टू द सेंटर्स टू लिसन टू द नॉलेज और सिट इन रिमेम्बरेंस। सेंटर्स में जो दूसरी कन्याएं हैं वो काम नहीं करना चाहती। द मेडल्स इन द सेंटर्स डोंट विश टू वर्क। तो माताओं को डायरेक्शन दे दिया जाता है, बर्तन भरो, कपड़े साफ करो। सो द मदर्स आर डायरेक्टेड टू डू द डिशेस एंड वॉश क्लोथ्स। नहीं तो मशीन खराब खरीद के लाके दो। अदरवाइज परचेज अ मशीन फॉर अस। कपड़ा धोने की मशीन लाके रखो। ब्रिंग अ वॉशिंग मशीन। हम तुम्हारे नौकर नहीं है, अंदर से मतलब ये बात निकलती है। इट मीन्स दे हैव दिस थॉट विद इन, वी आरंट योर सर्वेंट्स। क्या? व्हाट? हम तुम्हारे नौकर नहीं है लेकिन तुम हमारी प्रजा बन गई। वी आरंट योर सर्वेंट्स बट यू हैव बिकम आवर सब्जेक्ट्स। ऐसे समझती हैं कि जैसे बाबा हमको राजा ही दे गए। दे थिंक दैट इट इज एज इफ बाबा गेव देम द किंगशिप बिफोर गोइंग। हम राजा के अभी अभी ही हकदार बन गए। दे हैव बिकम एंटाइटल्ड टू द किंगशिप नाउ इटसेल्फ। तो बाबा को सेवा का, बाबा को ये साफ समाचार देना चाहिए बच्चों को और साफ बोल देना चाहिए कि हम यहाँ कुछ सीखने के लिए आते हैं या तुम्हारी सेवा करने के लिए आते हैं। सो द चिल्ड्रन शुड गिव ऑल दिस रिपोर्ट टू बाबा एंड टेल देम क्लियरली Do we come here to learn something or to serve you? भक्ति मार्ग में 63 से हम देहधारी धर्म गुरुओं की सेवा करते रहे। We kept serving the bodily religious gurus in the path of bhakti for 63 births. और इस जन्म में भी हम तुम्हारी सेवा करेंगे। Will we serve you in this birth as well? आदत पड़ी हुई है। They are accustomed to it. किनकी? Who? सेवा लेने वालों की। Those who take service. कहाँ से आदत पड़ी है? From when are they accustomed to it? 63 जन्मों में भी धर्म गुरु बनकर के सेवा लेते रहे हैं। They became religious gurus and kept taking service for 63 births too. आदत पड़ी हुई है तो मालिश करावेंगी। They are accustomed to it. So they will make others massage them. वसंत महात्मा होते हैं ना, विधवा माताएं वगैरह जाती हैं तो उनसे मालिश वालिश कराती रहती है। The sages and saints make the widows etc. who go there massage them. माताएं समझती हैं ये तो बड़ी भारी पवित्र। The mothers think they are very pure. भगवान ही हैं। They are God. तो तैयार हो जाती। सो दे गेट रेडी। मालिश करावेंगी, बर्तन धुलाई करावेंगी। दे विल मेक देम गिव अ मसाज, डू द डिशेस। ऐसे बहुत करते हैं। मेनी डू दिस। बाप कहते हैं बच्चे ऐसा काम मत करो। द फादर सेज चिल्ड्रन डोंट डू समथिंग लाइक दिस। या व्हाट? दूसरों से सेवा लेने का काम, व्यक्तिगत सेवा लेने का काम मत करो।
डोंट टेक पर्सनल सर्विसेज फ्रॉम अदर्स। ये बात का ख्याल आना चाहिए कि हमको देख करके और भी ऐसे ही करने लग पड़े। यू शुड थिंक सीइंग अस अदर्स विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग द सेम। जो बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी है इंचार्ज बहने वो ऐसे काम करेंगी। इफ द सीनियर्स एंड ओल्ड इंचार्ज सिस्टर्स डू सच अ थिंग। अभी तो थोड़े सेंटर्स हैं। नाउ देर आर ओनली अ फ्यू सेंटर्स। आगे चल करके लाखों की तादाद में हो जाएंगे। लेटर ऑन देर विल बी लैक्स ऑफ सेंटर्स। तो जो छोटे छोटे हैं उनको फॉलो करेंगे तो सारी दुनिया में क्या हो जाएगा। Then, if the juniors follow them, what will happen to the entire world? सेवादारी बनकर रहेंगे या राजाई चलाने के लिए राजा बनकर के बैठ जाएंगे? Will they stay serviceable or sit as kings for ruling? राजा बनकर के सब यहाँ बैठ जाएंगे तो फिर रिजल्ट क्या होगा? If everyone becomes a king here, what will be the result? क्या रिजल्ट होगा? What will be the result? अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। The insiders will be left behind and the outsiders will take off. अंदर वाले मने? What do the insiders mean? जो surrendered hands हैं। The surrendered hands. क्या? What? ईश्वरीय सेवा के लिए सरेंडर कराए गए हैं। वो रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। Those who surrender themselves for the ईश्वरीय service will be left behind and the outsiders will take off. ऐसा हुआ या नहीं हुआ? Did it happen or not? कैसे? How? जो surrender hands थे उन्होंने नहीं पहचाना और जो घर घर में कीचड़ में रहने वाली माताएं कन्याएं थी उन्होंने बाप को पहचान लिया। The surrendered hands didn't recognize the father, but the mothers and maidens staying in the mire of the household recognized him. और यहाँ भी? And here as well. यहाँ माना? एडवांस पार्टी में भी अगर ऐसे ही होने लगा खुदा न खास्ता सेवा लेने में लग गए तो क्या हाल होगा? फॉर इंस्टेंस इफ द सेम थिंग स्टार्ट हैपनिंग हियर दैट इज इन द एडवांस पार्टी टू इफ दे स्टार्ट टेकिंग सर्विस व्हाट विल बी द कंडीशन? वहां बेसिक में तो थोड़े सेंटर्स थे। There were certainly a few centers there in the basic knowledge. और यहाँ एडवांस में तो? And here in the advanced knowledge. ये एडवांस तो सारी दुनिया में बहुत फैलेगा। This advanced knowledge will become very popular over the entire world. यहाँ तो लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। Here the number of centers will reach 100,000s. अभी बेसिक नॉलेज में भी लाखों की तादाद में सेंटर्स नहीं है। नाउ देर आर 100,000s ऑफ सेंटर्स इन द बेसिक नॉलेज ईदर। तो जब एडवांस नॉलेज में बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियां मालिश करावेंगी कपड़े धुलवावेंगी बर्तन साफ करावेंगी तो उनकी जो असिस्टेंट हैं वो भी यही कार्य करेंगे। सो व्हेन द सीनियर ब्रह्म कुमारीज मेक अदर्स मसाज देम मेक देम वॉश देयर क्लोथ्स डू देयर डिशेस इन द एडवांस नॉलेज देयर असिस्टेंट्स विल आल्सो डू द सेम। उनको जहाँ कहीं भी सेंटर में बैठाया जाएगा वो समझेंगे हमको तो बाबा ने यहाँ राजा ही दिए। विच एवर सेंटर इज अपॉइंटेड टू देम दे विल थिंक दैट बाबा हैज गिवन देम द किंगशिप देयर। राजा रानी बन करके बैठ जाते हैं। दिस इट इज किंग्स एंड क्वींस। तो बच्चों को सारा समाचार देना चाहिए बाबा को कि बाबा
यहाँ ब्राह्मणी ऐसे ऐसे करती है। सो द चिल्ड्रन शुड गिव ऑल द रिपोर्ट टू बाबा सेइंग बाबा द ब्राह्मणी हियर डज दिस एंड दैट। ये ब्राह्मणी बिगड़ती है, गाली भी देती है। क्या? दिस ब्राह्मणी गेट्स एंग्री एज वेल एज इंसल्ट्स अदर्स। व्हाट? कोई से कुछ काम करने के लिए कहा गया, सेवा करने के लिए कहा गया और उसने नहीं किया तो गाली भी देने लग पड़ती है। इफ समवन इज आस्क्ड टू डू समथिंग टू डू सम सर्विस एंड ही डिडंट डू इट देन दे इवन स्टार्ट इंसल्टिंग हिम। बाबा को मालूम पड़ेगा तब तो सावधान करेंगे। बाबा विल वॉर्न देम ओनली व्हेन ही कम्स टू नो। बच्चे बताते ही नहीं है। द चिल्ड्रन डोंट टेल हिम एनीथिंग एट ऑल। ब्राह्मणी से डरते हैं। दे आर अफ्रेड ऑफ द ब्राह्मणी। जैसे भक्ति मार्ग में गुरुओं का कितना दबदबा रहता है। जस्ट लाइक देयर इज सो मच डोमिनेंस ऑफ द गुरुज इन द पाथ ऑफ भक्ति। भक्ति मार्ग में देखा तो है कि गुरुओं का कितना दबदबा होता है। यू हैव सर्टेनली सीन दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डोमिनेंस ऑफ द गुरुज इन द पाथ ऑफ भक्ति। तो यहाँ भी दबदबे में आ जाते हैं। So here too, they are dominated by them. बाबा को मालूम पड़ने से सावधान करेंगे। बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। बाबा will warn them if he comes to know about it. You should report to Baba. कि ब्रह्मा कुमारी कहती है। That the Brahma Kumari says. कि हमें दिखाए बिना पत्र भी नहीं ले सकते। You can't even write a letter without showing us. क्या? What? बाबा को भी पत्र लिखना है तो क्या करना है? पहले हमको दिखाओ, हमको बाबा में निमित्त बना करके बैठाया है। What do you have to do, even if you have to write a letter to Baba? First, show it to us. Baba has made us the instrument. फिर बाबा को पत्र लिखो। You may write, that is. Send the letter to him after that. बाबा कहते हैं। बाबा says. तुम परवाह मत करो। Don't care what they say. क्या? What? तुम भल बाबा को डायरेक्ट लिखो। You may write directly to Baba. ब्राह्मणी को दिखाने की जरूरत नहीं है। It isn't necessary to show it to the Brahmini. जब पत्र लिखने के लिए भी ब्राह्मणी को दिखाने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट फोन करने के लिए जरूरत है कि ब्राह्मणी को बताएं और बता करके उसके सामने फोन करें। When it isn't necessary to show the brahmini even the letter you write, is it necessary to tell the brahmini to call him directly so that you tell her and phone him in front of her? ये जरूरत है। Is it necessary? नहीं। स्टूडेंट्स नो नो। लेकिन बाबा बात है, हैदराबाद में फोन निकाल दिया गया। फोन निकाल दिया गया क्या? बिल्कुल फोन कनेक्शन ही नहीं है। स्टूडेंट बाबा देयर इज अ थिंग, दे टुक द फोन्स इन हैदराबाद। दे टुक द फोन्स? व्हाट? स्टूडेंट देयर इजंट एनी कनेक्शन एट ऑल। जयलक्ष्मी माता के पहले जयलक्ष्मी माता उठाएंगी, फिर जयलक्ष्मी माता नहीं, जयलक्ष्मी माता इंटरफेयर नहीं होती है, लेकिन किसी को कुछ कहना होता तो वो जयलक्ष्मी माता बोलते हमें परमिशन नहीं है। इट इज बाय जयलक्ष्मी माता। फर्स्ट जयलक्ष्मी माता विल रिसीव द कॉल, देन शी इफ समवन हैज टू से समथिंग, जयलक्ष्मी माता सेज that she doesn't have permission to let someone call directly. Direct phone करने की permission नहीं। अरे तो उनको phone पर करने की permission नहीं तो बाहर की दुनिया में phone नहीं है क्या? अरे if she doesn't have the permission to let you phone, aren't there other phones in the world? नहीं कन्या है, बाहर की दुनिया वालों को कैसे बताएंगे? तो कोई माता को ईमेल भेज दे। स्टूडेंट नो। How will the maidens tell the people of the outside world? She can send an email to her mother.
माता है, ढेर सारी माताओं की पासी में बाबा का आदेश है, सिर्फ हम नहीं मदद करेंगे, ऐसे माताएं बोलती। मुझे मुझे फोन आया एक अन्य, जो मैं वहाँ रहती थी उससे बड़े ढंग से कोई भाई से बात करती थी। Many mothers have the email facility. Student, the mothers say that they have been directed by Baba, so they won't help. Once, a maiden staying there phoned me. She used to talk to a brother for hours. Student, I don't know that. That brother underwent degradation. कोई बंगलौर में कोई विष्णु पार्टी निकली, वहां से कनेक्ट हो गया। He connected with the Vishnu party at Bangalore. तो वहां तो बेसिक में तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। Student, I didn't know that. So, ब्रह्मा बाबा certainly left his body there in the basic knowledge. यहाँ शरीर छोड़ने की तो बात नहीं है। It isn't about leaving the body here. लेकिन बाबा को गुप्त तो रहना पड़ेगा। However, बाबा certainly has to stay hidden. इस दुनिया में इतने बड़े बड़े धर्माधीश, राज्याधीश पड़े हुए हैं, धर्माधिकारी और राज्य अधिकारी, एक देश में नहीं सभी देशों में, जो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं। There are such great religious leaders, political leaders in this world. They are the religious and political heads, not in one country, but in all the countries. They want to take the entire world in their control. और बाबा सबकी कुल पधरी कर रहा है। And Baba is revealing everyone's secrets. ये सब दुनिया को नीचे गिराने वाले, और एक बाप है ऊंचा उठाने वाला। Saying, all these are the ones who make the world degrade, whereas the one father makes it rise high. सब भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले हैं, और एक बाप शेष्टाचारी दुनिया स्थापन करने आया हुआ। Everyone increases corruption, whereas the one father has come to establish a श्रेष्ठाचारी world. तो बिगड़ेंगे नहीं? So, won't they get angry? वो धर्माधिकारी, राज्याधिकारी, जब ये बात उनके सामने आएगी तो बिगड़ेंगे नहीं? बिगड़ेंगे? Won't those religious and political heads get angry when they come to know this? They will. तो बाप को तो अंत तक गुप्त पार्ट बजाना है। So, the father certainly has to play a hidden part till the end. जब गुप्त पार्ट बजाना है, सेंटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये भी संभव हो सकता है कि देश विदेश में आना जाना पड़े। जो बच्चे कंट्रोल से बाहर हैं, उनसे मिलना जुलना न हो सके। When he has to play a hidden part and the number of centers is increasing, it is also possible that he has to travel around the country and abroad, and meeting the children who are out of control gets impossible. जैसे अव्यक्तवाणी में अभी बोला है, just like it has been said in the अव्यक्तवाणी now, बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों की नजरों से ओझल हो गए। The father was revealed in front of the children and he disappeared from the sights of the worldly people. 2000 के आसपास की अव्यक्तवाणी। It is an अव्यक्तवाणी around 2000. तो कौन से बाप दादा की बात है? So, which बाप दादा is it about? सन 68 की बात है क्या? Is it about the year 1968? सन 68 की बात 2000 में आकर के कहीं बोलने की क्या जरूरत? What is the need of speaking about 1968 in 2000? ये बात एडवांस पार्टी के ऊपर लागू होती है।
दिस कंसेप्ट इज अप्लीकेबल फॉर द एडवांस पार्टी। 98 की विध्वंस के बाद एडवांस पार्टी में बाप दादा को गुप्त होना पड़ा। आफ्टर द ट्रेजेडी ऑफ 1998 बाप दादा हैड टू गो इन टू हाइडिंग इन द एडवांस पार्टी। जैसे कहते हैं भक्ति मार्ग में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और कंस की नजरों से ओझल हो गए। जस्ट लाइक इट इज सेड इन द पाथ ऑफ भक्ति एज सून एज लॉर्ड कृष्ण वॉज बॉर्न ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम कंसास साइट्स। तो जब लंबे समय तक गुप्त रहेंगे तो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो एडवांस पार्टी है उसमें भी जो मनमानी करने वाले हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? सो व्हेन ही स्टेज हिडन फॉर लॉन्ग विल दोज हु एक्ट विलफुली इन द ब्राह्मिन वर्ल्ड इन द एडवांस पार्टी टू गेट अ चांस और नॉट? दे विल। वो मौका मिलेगा और सबको अपने अंडर में करना चाहिए। व्हेन दे गेट द चांस दे विल वॉन्ट टू टेक एवरीवन अंडर देयर कंट्रोल। जैसे राजा बनकर के बैठते हैं। दे विल सिट एज किंग्स। बेसिक में तो आधारभूत आत्माएं हैं, जड़ें हैं। इन फैक्ट देयर आर द बेस लाइक सोल्स द रूट्स इन द बेसिक नॉलेज। जड़ों में ज्यादा पावर होती है या जड़ों को जन्म देने वाले बीजों में ज्यादा पावर होती है? इज देयर मोर पावर इन द रूट्स और द सीड्स दैट गिव बर्थ टू द रूट्स? बीज में ज्यादा पावर होती है, एडवांस में तो बीज है। देयर इज मोर पावर इन द सीड देयर आर द सीड्स इन द एडवांस पार्टी। विदेशी और विधर्मी धर्मों के यहाँ बीज भरे पड़े हैं। द सीड्स ऑफ द विदेशी एंड विधर्मी रिलीजन्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स हियर। स्वदेशी तो बहुत थोड़े हैं। देयर आर वेरी फ्यू स्वदेशी। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तो बहुत थोड़े हैं। देयर आर सर्टनली वेरी फ्यू सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी। उनमें भी जो चंद्रवंशी है वो तो बड़े आराम से विधर्मियों के प्रभाव में आ जाते हैं। इवन अमंग देम द चंद्रवंशी कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विधर्मीज वेरी इजीली। जैसे यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा सूर्यवंशियों के प्रभाव में नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा डिडंट स्टे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सूर्यवंशी इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ। किसके प्रभाव में आ गए? अंडर हूज इन्फ्लुएंस डिड ही गो? इस्लामी बौद्धिक सियन जो भी थे दूसरे दूसरे धर्म के दूसरे दूसरे विदेशी उनके प्रभाव में आ गए और उनके प्रभाव में सन 68 तक यज्ञ का काम चलता रहा। He went under the influence of all those from other religions, the other Videshis, like the Islamic people, the Buddhists, the Christians, etc. And the administration of the Yajna continued under their influence till the year 1968. आखिर अंजाम जो होना था वही अंजाम हुआ। Ultimately, there was the same predestined result. उन आसुरों ने माँ को खूब दुख दिया और हार्ट ही फेल कर दिया। Those demons gave a lot of sorrow to the mother and gave him a heart attack. अब यहाँ तो माँ नहीं है। Well here there isn't the mother. यहाँ तो बाप है रमतु रमज बाज। It is the father who is present here. He is रमतु रमज बाज। That is tactful and diplomatic. Yeah? What? भगवान आता है तो भगवान हिंसा करेगा, हिंसा करना सिखाएगा क्या? When God comes, will he use or teach others to use violence? Hmm? Okay. हिंसा न करेगा न करना सिखाएगा? Students, no. He will neither use violence himself nor teach others to use it. दुनिया के जो महात्माएं है होते हैं वो भी हिंसा करना और का नहीं सिखाते हैं। इवन द होली मैन इन द वर्ल्ड
डोंट टीच पीपल टू यूज वायलेंस. न करते हैं न करना सिखाते हैं. दे नीदर यूज वायलेंस देमसेल्व्स नॉट टीच अदर्स टू यूज इट. आज की कुछ महात्मा है दूसरी बात है. इट इज ऑल टूगेदर अ डिफरेंट केस विद द होली मैन टूडे. कुछ ऐसे हैं जो अपने फ्रंट में रहने वाले दूसरे महात्माओं को गोली भी मरवा देते हैं. देर आर सम हु इवन हैव देयर राइवल शॉट. लेकिन मोस्टली भक्ति मार्ग में महात्माएं जो होती हैं सच्चे वो ये हिंसा करना सिखाते नहीं है. तो भगवान कैसे सिखाएगा. हाउएवर मोस्टली द ट्रू होली मैन इन द पाथ ऑफ भक्ति डोंट टीच अदर्स टू यूज वायलेंस. सो हाउ विल गॉड टीच इट. न सिखाएगा न हिंसा करेगा. ही विल नीदर टीच इट नॉर यूज वायलेंस हिमसेल्फ. तो बाप कहते हैं. सो द फादर सेज तुम भले बाबा को डायरेक्ट पत्र लिखो और डायरेक्ट फोन करो. यू मे डायरेक्टली राइट अ लेटर और फोन बाबा. और उनको बताने की भी दरकार नहीं है. एंड यू नीडंट टेल देम ईदर. डायरेक्ट ईमेल दो. सेंड हिम एन ईमेल डायरेक्टली. और तुमको डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा. एंड यू विल रिसीव अ डायरेक्ट आंसर. तीखी बुद्धि वाले जो होंगे वो तो समझ लेंगे. द वंस विद अ शार्प इंटेलेक्ट विल सर्टेनली अंडरस्टैंड. क्या समझ लेंगे. व्हाट विल दे अंडरस्टैंड. क्या समझ लेंगे. व्हाट विल दे अंडरस्टैंड. वो ये समझ जाएंगे कि हमारा टीचर कितना अच्छा है. दे विल अंडरस्टैंड आवर टीचर इज सो गुड. और इनको पढ़ाने वाला टीचर लायक नहीं है. Whereas the teacher who teaches them isn't worthy. ना लायक. He is unworthy. ईश्वरीय सेवा करने लायक नहीं है. He isn't worthy of doing the ईश्वरीय service. ये असुरों की सेवा करने वाला है. He is the one who serves the demons. देखा भी जाता है. It is also seen. एडवांस पार्टी में अभी उतनी तमो प्रधानता नहीं है. There isn't much of a tamo pradhan stage in the advance party now. इसलिए जो भी पब्लिक की सेवा होती है वो बड़े बड़े आदमियों की पीछे पड़ा जाता है सेवा करने के लिए. या जो भी जन सामान्य है उनकी सेवा की जाती है. This is why whatever service we render to the public, are we after serving the eminent people or do we serve the general public? जन सामान्य की सेवा की जाती है. We serve the general public. Basic knowledge में ये देखा जाता है कि जो भी बड़े बड़े दुनियावी रीत से मल्टी मिलियनायर हैं, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको खास बुला बुला करके बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे और उनको ऊंची गद्दी पर बैठा के सम्मानित करेंगे और उनकी थोड़ी बहुत जितना ज्ञान है उतनी सेवा करेंगे. इट इज सीन इन द बेसिक नॉलेज दैट दोज हु आर इम्पोर्टेंट इन द वर्ल्डली टर्म्स द मल्टी मिलियनेयर्स द हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स द हाई रैंकिंग ऑफिसर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन they specially invite them and hold big programs. They will give them a place of honor, revere them and serve them a little to the extent they have knowledge. तो क्या ये सारी दुनिया को मुट्ठी में करने वाली बात नहीं है. So, isn't it controlling the entire world? ये हिंसा करने वाली बात है. This is something that involves violence. ज्ञान ये नहीं कहता. द नॉलेज डजंट से दिस. ज्ञान तो मुसलमान बनना नहीं सिखाता. द नॉलेज सर्टनली डजंट टीच अस टू बिकम मुस्लिम्स. मुसलमान क्या करते थे. व्हाट डिड द मुस्लिम्स यूज्ड टू डू. तलवार उठाई और जनेऊ पकड़ा. बोलो जनेऊ उतारते हुए नहीं.
They used to raise their sword and grab the janeyu, that is, the sacred thread worn by the Hindus, threatening, "Tell me, will you take off this janeyu or not? Choti katate hogi nahi? Will you have your top knot shaven or not? Na kiya, ab gardan alag." If they denied, they were beheaded. Ishwariya gyan to swechha se parivartan karata hai. The Ishwariya knowledge transforms others willingly. जोर जबरदस्ती से किसी से कन्वर्ट करने वाली बात ही नहीं. It isn't about converting someone forcibly at all. तो तुम बच्चों को तो बहुत धारणा करनी है. So you children have to make a lot of धारणा. क्या? What? अगर ब्राह्मणी मनमानी करती है और हम इन आंखों से देखते हैं और बाबा को बताती नहीं. If a brahmini acts willfully and we see it with these eyes but don't tell baba, क्योंकि ब्राह्मणी के चाटुकार बनकर के रहेंगे तो माल मसाला मिलता रहेगा. It is because if we stay as a flatterer of the brahmini, we will keep receiving favors from her. बाबा को नहीं बताते. They don't tell baba. तो ये धारणा हुई. यह धारणा का कचूमर निकाल लिया. So, is this धारणा or did they violate the धारणा? ये कोई ईश्वरीय धारणा नहीं है. That isn't any ईश्वरीय धारणा. और लड़ना झगड़ना भी बिल्कुल नहीं चाहिए. And you shouldn't even fight and quarrel. ये ब्राह्मण से भाई तू तू मैं करना शुरू नहीं शुरू कर दिया. बाबा ने ऐसा कब सिखाया है? तुम ऐसा करते हो, ऐसा करते हो. नहीं. It isn't that you start fighting with the brahmini then and there, saying, "When has Baba taught this? You do this and that." No. बच्चे सच सुनाते ही नहीं. Children don't tell the truth at all. सच नहीं बता देंगे. If they don't tell the truth, तो बाबा को कैसे पता चले? How will Baba know? वो कहते हैं बाबा तो जान ही जाना नहार. Some say Baba is जानी जानन हार. That is the one who knows everything. अरे मुरली में कहीं बोला है मैं जानी जाना नहार हूँ. अरे has Baba said anywhere in the मुरली that he is जानी जाना नहार? जानी जाना नहार निराकार है या साकार है? Is the incorporeal one or the corporeal one जानी जाना नहार? निराकार तो जानी जाना नहार है क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता. The incorporeal one is certainly Jani Jananhar because he doesn't come in the cycle of birth and death. लेकिन वो निराकार जब साकार में आता है तो साकार को पोता मिल देने का रसम बनाया हुआ. However, when that incorporeal one comes in the corporeal one, the practice of giving pota mil to the corporeal one has been started. ये सारी बात साकार को बतानी है. You have to tell the corporeal one about everything. नहीं तो कैसे पता चलेगा? Otherwise, how will he know? तो बच्चे सच नहीं सुनाते हैं और ही झूठ बोल देते हैं. So, the children don't tell the truth. They speak lies all the more. क्या? What? झूठ बोल देंगे तो ब्राह्मणी क्या अवगुण छुपाए लेते. If they speak lies, they hide the bad traits of the brahmini. बड़े बड़े जो दादाए हैं उनके अवगुणों को छुपाए देंगे. They will hide the bad traits of the senior dadas. या तो उनसे डरते हैं. Or else, they are afraid of them. इसलिए छुपाए देते हैं. This is why they hide it. झूठ बोलते हैं तो फिर सत्यानाश हो जाती है. If they tell lies, they are ruined. क्या सत्यानाश हो जाती का मतलब क्या हुआ? What? What does to be ruined mean? माना जो सच्चे खंड स्थापन होना चाहिए वो सच्चे खंड स्थापन नहीं होता. It means the Sach Khand, that is the land of truth that should be established, isn't established. सच्चे खंड का नाश हो जाता है
और झूठ गंध की यज्ञ के अंदर स्थापना हो जाती है। द सच खंड इज डिस्ट्रॉयड एंड द झूठ खंड दैट इज द लैंड ऑफ फॉल्सिटी इज एस्टैब्लिश्ड विद इन द यज्ञ। तो जैसे बेसिक नॉलेज के अंदर सच खंड का नाश हो गया, सत्यानाश हो गया और झूठ खंड की स्थापना हो गई, ऐसे ही फिर अगर एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही करते रहेंगे, बाप को सच नहीं बतावेंगे तो क्या होगा? सो जस्ट लाइक सच खंड वॉज डिस्ट्रॉयड रुइंड विद इन द बेसिक नॉलेज एंड झूठ खंड वॉज एस्टैब्लिश्ड, सिमिलरली इफ दे कीप डूइंग द सेम थिंग इन द एडवांस पार्टी टू and don't tell the truth to the father, what will happen? Jhoot khand sthapan ho jayega. Jhoot khand will be established. Kya? What? Bal sikho ki baat hal ho jayegi. Sikh kehte hai na, raj karega khalsa. The words of the Sikhs may come true. The Sikhs say, the pure one will rule. डोंट दे बेसिक नॉलेज में भी इन द बेसिक नॉलेज टू कन्या माताओं के हाथ में राज्य देने के लिए तो बोला, कन्या माताओं को आगे बढ़ाने के लिए बोला। दे वर सर्टनली डायरेक्टेड टू गिव द किंगशिप टू द मेडन्स एंड मदर्स, टू कीप द मेडन्स एंड मदर्स अहेड। एडवांस में भी बोला कि कन्या माताओं के द्वारा सारा कार्य कराना है। इट वॉज सेड इन द एडवांस नॉलेज टू ऑल द टास्क हैव टू बी डन बाय द मेडन्स एंड मदर्स। डायरेक्शन कन्या माताओं के द्वारा निकलने चाहिए, भाइयों के द्वारा नहीं। द मेडन्स एंड मदर्स शुड रिले द डायरेक्शंस एंड नॉट द ब्रदर्स। पढ़ाई पढ़ाने का ही काम कन्या माताओं को करना चाहिए, भाइयों को नहीं करना चाहिए। द मेडन्स एंड मदर्स शुड डू द टास्क ऑफ टीचिंग टू, द ब्रदर्स शुडंट डू दैट। लेकिन अगर बच्चे बाप से इसी तरह छुपाते रहे तो क्या अंजाम होगा? However, if the children keep hiding things from the father in this way, what will be the result? सच खंड स्थापन होने की बजाय एडवांस में और ही बेसिक नॉलेज के मुकाबले कई गुना झूठ खंड स्थापन हो जाएगा। Instead of the establishment of सच खंड in the advanced knowledge, झूठ खंड will be established all the more, many times more when compared to the basic knowledge. तो बेसिक नॉलेज वाली दीदी दादियाँ तो अभी इतने ज्यादा सेंटर से नहीं संभाल रही है। The दीदीज दादीज ऑफ द बेसिक नॉलेज aren't handling many centers now. क्योंकि अभी सेंटर्स की संख्या ही लाखों की तादाद में नहीं हुई है। It is because the number of centers hasn't reached 100,000 yet. वो तो अधूरा ज्ञान था और ये तो एडवांस संपूर्ण ज्ञान है। दैट वॉज सर्टनली द इनकम्प्लीट नॉलेज, वेयर एज दिस इज द एडवांस कम्प्लीट नॉलेज। ये तो दुनिया में बिना एडवर्टाइजमेंट के तीखे रूप में फैलता रहेगा। इट विल कंटिन्यू टू स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड रैपिडली विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। दिन दुगना रात चौगना अपने आप फैलेगा। इट विल ऑटोमेटिकली स्प्रेड बाई लीप्स एंड बाउंड्स। तो यहाँ तो लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे दुनिया में। सो हियर देयर विल बी 100,000s ऑफ सेंटर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन फायदा क्या होगा जब सच्चाई छुपाई जाएगी तो? हाउएवर व्हाट विल बी द बेनिफिट इफ द ट्रूथ इज हिडन? झूठ खंड स्थापन हो जाएगा। झूठ खंड विल बी एस्टैब्लिश्ड। झूठ खंड स्थापन होगा। इफ झूठ खंड इज एस्टैब्लिश्ड तो देवियों के वेश में क्या हो जाएंगी? What will they be in the form of देवीज? चांडाल चौकड़ियां तैयार हो जाएंगी। They will become चांडाल चौकड़ी। चांडाल चौकड़ी is a colloquial term for a bunch of idlers and miscreants. और वो राज्य करने लग पड़ेंगे। And they will start ruling the yajna. आखिरी फिर भी बाप को तो प्रत्यक्ष होना ही है। फाइनली द फादर हैज टू बी रिवील्ड। जब सच्चाई फिर प्रत्यक्ष होती है, व्हेन ट्रूथ इज रिवील्ड, तो रिजल्ट क्या निकलता है? व्हाट रिजल्ट कम्स आउट? रिजल्ट निकलता है
डूबी जा डूबी जा डूबी जा। द रिजल्ट दैट कम्स आउट इज ड्राउन ड्राउन ड्राउन। देवियों को, गणेश जी को, हनुमान जी को क्या करते हैं? डुबो देते हैं। What do they do of the devis, Ganesh ji, Hanuman ji? They drown them. फिर बुद्धि में बैठता है एक सच्चा और बाकी सब सब झूठे। Then it sits in the intellect. One is true and all the others are false. लेकिन ये करने के निमित्त कौन बने? However, who became the instrument of doing this? हम बच्चे। Students, the children. जिन बच्चों ने बाप से बात को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए या भयभीत होने के कारण, तो छुपाने के कारण ये अंजाम होता है। The children who hid the truth from the father out of their selfish motive or because of being afraid, this result comes out because of hiding it. सच नहीं सुनाते हैं और ही झूठ बोलते हैं, सत्यानाश हो जाती है। They don't tell the truth, they lie all the more. They are ruined. झूठ बोलना छोड़ते ही नहीं है। They don't stop lying at all. क्योंकि जेल बर्ड्स है ना? It is because they are jail birds, aren't they? Jail birds. Jail birds. जेल के अंदर जो चिड़िया रहती है ना, उसको उठा करके वहाँ से बाहर रख दो, फिर जेल के अंदर आ जाएगी। If you release the jailbirds from the jail, they will go back in the jail. ऐसे ही बहुत से जेल के कैदी होते हैं। In the same way, there are many prisoners in prison. उनको जेल में से छुड़ा दो। Free them from the prison. अच्छे-अच्छे वकील वकालत करके उनको छुड़ा भी देते हैं। वो फिर जेल में घुस जाते हैं। Many good lawyers fight their case and even free them, but they go to the prison again. पैर के जंजीर उनको आदत हो जाती। झूठ बोलना छोड़ते ही नहीं है, जेल बर्ड्स है ना? They don't stop telling lies at all. They are jail birds, aren't they? बेसिक नॉलेज में भी ऐसे ढेर सारे जेल बर्ड्स पड़े हुए हैं। There are many of such jail birds in the basic knowledge too. कहते हैं कृष्ण के सात भाई थे। It is said Krishna had seven brothers. किसके अंडर में फंस गए? Under whom were they stuck? कंस ने उसको सातों को कोस लिया। कंस killed all the seven brothers. जेल से बाहर नहीं जाने दिया। He didn't let them go out of the prison. ये कौन है? Who are they? सात नारायण। द सेवन नारायण्स। वो अभी भी बेसिक नॉलेज में पड़े हुए। दे आर स्टिल इन द बेसिक नॉलेज। बल शरीर छोड़ रहे हैं तो भी सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधे हुए। दो दे आर लीविंग देयर बॉडी, दे आर स्टिल बाउंड इन द बॉन्डेज ऑफ द सटल बॉडी। तो जेल बर्ड्स हुए ना? सो दे आर जेल बर्ड्स, aren't they? उन्हीं की बात नहीं है। It isn't just about them. Advance party में भी है। There are such ones in the advance party too. अगर एक दूसरे का लिहाज करते हैं। If they are concerned about one another. लोकलाज का लिहाज करते हैं। अरे ये क्या कहेंगे? अरे ये दीदी दादियाँ क्या कहेंगी? दीदी दादियों को फॉलो करने वाले ये सब क्या कहेंगे? About the लोकलाज, that is public honor, thinking. अरे what will they say? अरे what will these didis and dadis say? What will the followers of the didis and dadis say? और लोग लाज में फंसने के कारण बाप को सच्ची बात नहीं बताते हैं। And if they don't tell the truth to the father because of लोक लाज, तो जेल बर्ड्स बन जाते हैं। They become jail birds. दो रोज अच्छे चलते हैं। They go on nicely for two days. तीसरे रोज फिर मट्टी पलीत हो जाती है। On the third day, they fall in mud again. बुद्धि ही खराब।
देयर वेरी इंटेलेक्ट गेट्स स्पॉइल्ड। बाप ऑलराउंड सब बातें समझाते रहते हैं। द फादर कीप्स एक्सप्लेनिंग ऑल राउंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। रोज के जीवन मरने की जो भी बातें हैं, ऐसे नहीं, ये सिर्फ नई दुनिया में जाने के लिए समझाते हैं। All the concepts of the day-to-day life. It isn't that he just explains about going to the new world. बाप की समझाई हुई बातें 63 जन्म भी काम आती हैं। The concepts that the father explains is useful for the 63 births too. All round सब बातें समझाते। He explains all round all the concepts. तुम बच्चे all round पार्टधारी हो ना? You children are all round actors, aren't you? कि सती पुत्रता में ही पार्ट मजा मिले। और विल यू प्ले पार्ट जस्ट इन द गोल्डन एंड द सिल्वर एज? द्वापर कलयुग में पार्ट नहीं बजावेंगे क्या? वोंट यू प्ले पार्ट इन द कॉपर एंड द आयरन एज? बजावेंगे। यू विल। तो वहाँ अगर सच्चाई से चलेंगे द्वापर कलयुग में, तो दुनिया से डर करके रहेंगे तब चलेंगे, या निडर होकर के रहेंगे तब चलेंगे? सो If you lead a truthful life there, in the copper and the iron age, will you lead that kind of life if you are afraid of the world or if you are fearless? जो निडर होकर के रहेंगे वो ही चल सकेंगे और झूठ खंड की दुनिया वालों से टक्कर लेते रहेंगे। Only those who are fearless will be able to lead such life and keep confronting the people of the world of falsity. क्या? What? वहाँ भी 63 जन्म टक्कर लेते रहते हैं और यहाँ शूटिंग पीरियड में भी टक्कर लेते रहते हैं। They keep confronting them there for 63 births as well as here in the shooting period. बोला? बाप ऑलराउंड बातें समझाते हैं, नाटक आदि वालों को पकड़ करके चित्र भी अच्छी रीति बनवाओ। It was said. The father explains all-round concepts. Get hold of those who organize dramas, etc., and ask them to make good pictures. जो नाटक करने के आदी होते हैं ना, वो अच्छे-अच्छे चित्र बनाते हैं। Those who are accustomed to performing dramas draw very good pictures. बाबा सीढ़ी के चित्र भी अच्छे-अच्छे बनवाए रहे हैं। बाबा is having very good pictures of the ladder prepared. वो सीढ़ी के चित्र सबके पास हो। Everyone should have that picture of the ladder. अच्छी चीज देख करके फिर औरों को भी दिखलाने ले आएंगे। If they see a nice thing, they will also bring others to show it. दिल्ली में बहुत अच्छी जगह में तुम्हारे 2-4 चित्र बड़े बड़े लगे हुए हो। In Delhi, 2-4 of your big pictures should be put up in a very nice place. आपे ही तुम्हारा प्रोपोगंडा हो जाएगा। There will automatically be your propaganda. क्या? What? 2-4 चित्र क्यों बताए? Why was it said 2-4 pictures? रमेश भाई ने तो सैकड़ों चित्र बनवाए थे। Brother Ramesh had hundreds of pictures prepared. 2-4 क्यों बताए? Why was it said 2-4? क्योंकि ढेर के ढेर चित्र माया की मत पर बनाए गए हैं। It is because many pictures were prepared. On Maya's opinion. और बाबा की मत पर सिर्फ 2-4 चित्र हैं। त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, यार और सीढ़ी। Whereas only 2-4 pictures were prepared on Baba's direction, namely Trimurti, Lakshmi Narayan, the Kalpa tree and the ladder. ऐसे चित्र मुख्य मुख्य जगह पर लगा देंगे तो 1-2 को सब भेजते रहेंगे। If you put up these pictures in the main places, everyone will keep sending them to each other. म्यूजियम बना हुआ है तो सबको कहेंगे कि चल करके देखो। If a museum is made, you will tell everyone, come and see it. क्या? What? वहाँ तो माउंट आबू में जड़ म्यूजियम बना हुआ है। The physical museum has been made there in Mount Abu. और यहाँ? यहाँ चैतन्य म्यूजियम की बात है। And here, it is about the living museum.
समझाने वाले भी होशियार चाहिए। The one who explains should also be clever. चेतन म्यूजियम के कौन से चित्र हैं? Which pictures are there in the living museum? जो समझाने That have to be explained. तो चित्र ही नहीं है। Aren't there any pictures at all? चित्र तो है ना। अरे there are the pictures, aren't there? अव्यक्तवाणी में बता तो दिया। It has certainly been said in the अव्यक्तवाणी। क्या? What? सबसे पहले कौन सा चित्र समझाओ? Which picture should you explain first of all? त्रिमूर्ति का चित्र समझाओ। तीन सीट्स फिक्स हुई है। Explain the picture of the त्रिमूर्ति। Three seats have been fixed. तीन सीट्स फिक्स हुई है तो तीन सीट्स पर बैठने वाले भी तो फिक्स हुए होंगे। If the three seats are fixed, so the personality sitting on those three seats will also have been fixed. उनकी समझाने देनी। You have to explain about them. ये हमारे म्यूजियम के बेहरे के चित्र हैं। These are the unlimited pictures of our museum. समझाने वाले बहुत होशियार चाहिए, बुद्धि में सिवाय एक बाप के और कोई की भी याद ना आवे। The ones who explain should be very intelligent. They shouldn't remember anyone else except the one father. समझाने वालों की ये खासियत हो। This should be the speciality of those who explain. अंतकाल जो शिव बाबा को सुमिरे वो नारायण पद पा सकते हैं। Those who remember शिव बाबा at the end can receive the position of Narayan. तो सर्विस करना सीखना है। So you should learn to do service. सेंटर्स खुलते जाते हैं। सेंटर्स कंटिन्यू टू ओपन। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप तो है ही, परंतु अच्छी टीचर भी तो चाहिए ना। When the children show courage, the father is certainly present to help them. However, a good teacher is also required, isn't she? Yeah. What? सेंटर में चलाने वाली टीचर है जो इंचार्ज बनाई जाए, वो भी अच्छी टीचर चाहिए। The teacher who runs the center, who is made the in-charge, should also be a good teacher. माना? मालिश कराने वाली, बर्तन अपने साफ करवाने वाली और कपड़े साफ करवाने वाले टीचर नहीं चाहिए। It means the teacher who makes others give her a massage, do her dishes and wash her clothes isn't required. अपना बिस्तर अपने आप करे। She should make her own bed. अपने आप उठाए। She should pick it on her own. सारा व्यक्तिगत काम अपने अपने व्यक्तिगत सेवा अपने आप करने वाली हो। She should be the one who does all her personal chores by herself. आप समान किसी को बनाते नहीं है। When they don't make anyone equal to themselves. तो फिर बाद में सेंटर है, संभल नहीं पाते। The centers become unmanageable afterwards. पहले आप समान बनाए फिर सेंटर संभालने के लिए भेजे। First of all, they should make others equal to themselves, then they should be sent to manage a center. आप समान मैनेजर बनावेंगे? If a teacher makes them into a manager like herself, तो टीचर अच्छी कही जाएगी। She will be called a good teacher. पदवी ऊंचा पावेगी। She will also receive a high position. बेबी बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। She shouldn't have a baby-like intellect either. क्या? What? बेबी बुद्धि होगी तो कोई उठा के भी ले जाएगा। If she has a baby-like intellect, someone might even take her away. रावण संप्रदाय है ना? अरे? It is Ravan's community, isn't it? अरे? Basic knowledge में ऐसे बातें हुए हैं कि नहीं? Have such incidents occurred in the basic knowledge or not? कैसे? What? कि कोई बेबी बुद्धि ब्रह्मा कुमारियां भेजी गई सेंटरों में और उनको चिड़ी मार उठा के ले गए। Some ब्रह्मा कुमारीज विद अ बेबी लाइक इंटेलेक्ट वर सेंट टू द सेंटर्स एंड सम फॉलोअर्स टुक देम अवे। ले जाके उनके साथ शादी कर ली। दे टुक देम अवे एंड मैरिड देम। रावण संप्रदाय है ना? इट इज रावण्स कम्युनिटी, इजंट इट? बाबा उनको कीचक कहते हैं। बाबा कॉल्स देम कीचक।
जो कीचक होते हैं, गंदे लोग होते हैं, वो ब्रह्म कुमारियों के भी पीछे पड़ते हैं। कीचक और द डर्टी पीपल परस्यू इवन द ब्रह्म कुमारीज। जिन्होंने अपना जीवन ईश्वर को दिया, भगवान के रास्ते पर दे दिया, उनके भी पीछे पड़ करके उनकी जिंदगी खराब कर देते। दे परस्यू इवन दोज हु हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ टू गॉड, हु सरेंडर्ड देयर लाइफ टू फॉलो द पाथ शोन बाय गॉड एंड दे स्पॉइल देयर लाइफ। बाबा ने अमरनाथ के लिए पत्र छपाने के लिए कहा। बाबा हैज आस्क्ड टू प्रिंट पैम्फलेट्स फॉर अमरनाथ। बच्चे पत्र आदि छपवाते हैं तो उसमें त्रिमूर्ति का ब्लॉक भी अच्छा नहीं डलवाते। When the children have the pamphlets printed, they don't even have the block of Trimurti printed nicely. नहीं तो जहाँ अच्छे ब्लॉक बनते हैं उनका काम है बना करके भेज देना चाहिए। Otherwise, the place where good blocks are made, it is their task to make them and send them there. विशाल बुद्धि बच्चे बहुत कम हैं। There are very few children with a broad intellect. फिर लिखते भी नहीं है कि हमारा ब्लॉक अच्छा नहीं है। Then they don't even write that their block isn't good. Block अच्छा होगा तो चित्र क्लियर छपेगा। If the block is good, the picture will be printed clearly. बुद्धि में क्लियर चित्र है ही नहीं। When the picture is not at all clear in their intellect, तो दूसरों को समझाएंगे कैसे? How will they explain to others? पहले तो अपनी बुद्धि में, समझाने वाले की बुद्धि में क्लियर चित्र हो। First, the picture should be clear in your own intellect, that is, in the intellect of the one who explains. ये ब्रह्मा का पार्ट। This is Brahma's part. अभी है। He is present now. मर नहीं गया। He hasn't died. है। He is present. ये विष्णु का पार्ट है। This is Vishnu's part. ये शंकर का पार्ट है। This is Shankar's part. जैसे मुरली में बोला है। For example, it has been said in the Murli. ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ रीति है नहीं, तुम बच्चों को यथार्थ चित्र निकालना चाहिए। This picture of Trimurti isn't accurate. You children should make an accurate picture. झूठे चित्र क्यों बना रहे? Why should you make a false picture? अच्छा बनवा करके भेजो। अच्छा make them and send them. आप ही भेजा। If you send them on your own, तो बाबा कहेंगे देवता। बाबा will call you a deity. और कहने से भेजा? If you send them on being asked, तो मनुष्य। You are a human being. और कहने पर भी नहीं भेजा? And if you don't send them even on being asked, student, you are a demon. ओम शांति। ओम शांति।